there. Thank you for calling Phi. Please give us a few moments so we can find the right person from our Phi care team to help you out. Also, we may record this call as it helps us get better at assisting you. If you're calling to report any fraudulent activity, please press 1. If you have questions about our referral program, please press 2. For any other questions, please continue to hold. Our Phi care colleague will be with you soon. Good morning. Welcome to Phi care. This is Kasturi. How can I help you? Good morning, ma'am. Can you speak in Hindi for better communication? जी सर, जरूर बताइए। जी मैम, मुझे जानना है स्मार्ट डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट के बीच अंतर जानना है, और एट द एंड मुझे ये भी जानना है कि इन दोनों में से कौन सा सबसे बेस्ट है जिससे कि मुझे ज़्यादा बेनिफिट या फिर प्रॉफिट होगा। उससे सही से जानकारी देने से पहले मैं आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट करना चाहती हूँ सर, प्लीज थोड़ी देर लाइन पे रहिए ताकि मैं आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट कर पाऊँ। जी बिल्कुल मैम। आप मुझे एक बार आपका नाम बता सकेंगे? संजय कुमार महतो। आपका मोबाइल डेटा ऑन रहता है संजय जी जब आप कॉल पे होते हैं? मैम आप पैन नंबर जो है लेके आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है। एन फॉर नेशन। ऑलराइट ठीक है मिस्टर संजय, थैंक यू फॉर द वेरिफिकेशन। ओके, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं चेक करके आपको डिटेल्स बताती हूँ। जी बिल्कुल मैम, आप प्लीज थोड़ी देर लाइन पे रहिए मिस्टर संजय, मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ। जी बिल्कुल मैम, आप समय ले सकती हैं। ऑल राइट थैंक यू। तो मिस्टर संजय, जैसे कि आप मुझे पूछे थे कि यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट और स्मार्ट डिपॉजिट, एसडी इज अ स्मार्ट डिपॉजिट और एफडी होता है फिक्स डिपॉजिट। ओके, तो फिक्स डिपॉजिट आप मतलब आपका जो मिनिमम टाइम लिमिट होता है वो 7 दिन से लेके आप उससे 1 साल के ऊपर तक आप कर सकेंगे, 2 साल, 3 साल, 5 साल, आप जितना भी चाहें आप एक्सीड कर सकते हैं, आप जितने दिनों के लिए चाहें उतने दिनों के लिए आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्मार्ट डिपॉजिट करते हैं तो स्मार्ट डिपॉजिट के लिए मिनिमम टेन्योर होता है 28 दिन से लेके 1 साल तक। अच्छा। 1 साल से ज्यादा आप स्मार्ट डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। अच्छा अच्छा ओके हाँ, तो अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप फिक्स डिपॉजिट चूज कर सकते हैं। अच्छा। और अगर आप कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो आप उसके लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्मार्ट डिपॉजिट ले सकते हैं। इन दोनों के इंटरेस्ट रेट के बारे में आप बता दो प्लीज। जी जी मैं बता देती हूँ, जो आपको स्मार्ट डिपॉजिट जो की है 28 दिन से लेके आपको 1 महीने तक, 1 साल तक आपको जो जिसका टेन्योर है उसका मैं आपको इंटरेस्ट रेट बता देती हूँ। उसकी इंटरेस्ट रेट है अगर आप 7 दिन से लेके 29 दिन तक करते हैं तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट आएगा आपको 2.75%। अगर 30 दिन से लेके 45 दिन तक करते हैं 30 to 45 days तो उसका इंटरेस्ट रेट रहेगा आपको 3.25%। अगर 46 days से लेके 60 days तक करते हैं तो इसके इंटरेस्ट रेट रहेगा 3.65%। 61 days to 90 days करते हैं तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 3.75%। 91 से लेके 119 days तक रखते हैं तो 4% इंटरेस्ट रेट। 120 days से 180 days तक 4.25 इंटरेस्ट रेट। 181 से 270 डेज तक 4.60 इंटरेस्ट रेट। और 271 डेज से लेके मिनिमम 1 साल तक 4.75% इंटरेस्ट रेट। और जो फाइनल इंटरेस्ट रेट है अगर आप 1 साल का पूरा स्मार्ट डिपॉजिट बनाते हैं तो उसके लिए हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.45%। अच्छा अच्छा, डे बाय डे या फिर मंथ बाय मंथ ये जो है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता जाएगा? इंक्रीज, जी हाँ इंक्रीज होता रहेगा। आप जितना टेन्योर बढ़ाएंगे उतना ही आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। और फिक्स डिपॉजिट आप मैक्सिमम 75 months तक के लिए कर सकते हैं। तो 75 months के लिए अगर आप मैक्सिमम करते हैं उसके लिए आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट मिलेगा 5.95%। अच्छा अच्छा, मैं जानना चाहूंगा मिनिमम अमाउंट क्या रहेगा स्मार्ट डिपॉजिट करने के लिए? मिनिमम अमाउंट जानने की कोशिश कर रहे हैं सर? जी जी, अगर हम स्मार्ट डिपॉजिट करते हैं तो सबसे मिनिमम अमाउंट क्या है स्मार्ट डिपॉजिट के लिए? ओके ठीक है, मैं चेक करके बता देती हूँ, प्लीज लाइन पर रहिए। जी जी ओके, आप स्मार्ट डिपॉजिट मिनिमम 300 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। 300 से? अच्छा, और सेम सवाल अगर मैं फिक्स डिपॉजिट के लिए करूँ तो? सॉरी, सेम सवाल अगर मैं फिक्स डिपॉजिट के लिए करूँ तो मिनिमम अमाउंट क्या रहेगा? हम समझ नहीं पाए, फिर से बता सकते हैं? मैम मैं पूछ रहा हूँ कि फिक्स डिपॉजिट करने के लिए मिनिमम अमाउंट क्या चाहिए? फिक्स डिपॉजिट के लिए जी जी,
सकते हैं, मैं बता देती हूँ जी। ओके, फिक्स डिपॉजिट के लिए आपको 1,000 तक का मिनिमम अमाउंट चाहिए होगा। 1,000 रुपये तक का? अच्छा, मिनिमम आपने कितने डेज के लिए बताया था मैम? 7 डेज के लिए। इसका इंटरेस्ट रेट क्या मिलने वाला है फिक्स डिपॉजिट में? फिक्स डिपॉजिट 2.75%। अच्छा, अगर हम 1,000 ऐड करते हैं फिक्स डिपॉजिट में तो एक सप्ताह बाद कितना अमाउंट रिटर्न बैक मिलेगा मुझे? सर वो इंटरेस्ट करके देखना पड़ेगा जी, आप कैलकुलेट करके जरा बता दें प्लीज़। हम आपको लिंक सेंड कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे। अच्छा, ये आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हमारे पास इसके डिटेल्स नहीं रहेंगे सर। अच्छा अच्छा, खैर मैम आपसे मैं जानना चाहूँगी आपकी क्या ओपिनियन है, कौन सा बेस्ट है आपके हिसाब से, स्मार्ट डिपॉजिट या फिर फिक्स डिपॉजिट? सर जैसे मैंने आपको कॉल पे शुरू में ही बताया है, आपकी मतलब आप जो भी जिस हिसाब से आप सेव करना चाहते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप कोई छोटा मोटा सेविंग्स करना चाहते हैं, महीने में आपको सेविंग्स ईएमआईज भरने होते हैं, लोन्स भरने होते हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए स्मार्ट डिपॉजिट बेहतर है। ठीक है, उसमें आप दोनों ही ओपन कर सकते हैं साइड बाई साइड, स्मार्ट डिपॉजिट भी ओपन कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट भी ओपन कर सकते हैं। स्मार्ट डिपॉजिट का टेन्योर बेसिकली इसलिए दिया जाता है ताकि आप मंथली एक सेविंग्स आप उसमें बना पाए मंथली, और मैक्स टू मैक्स 1 ईयर अगर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट वहाँ पे सेव करना है तो आप कर सकते हैं, ताकि आपको प्री क्लोज ना करना पड़े। क्योंकि प्री क्लोज अगर आप कर देते हैं फिक्स डिपॉजिट या स्मार्ट डिपॉजिट को, तो उसके चार्जेस लग जाते हैं 1% ऑन द इंटरेस्ट रेट। जो इंटरेस्ट रेट आपका रहेगा उसमें आपको 1% का चार्ज लग जाएगा प्री क्लोज पे। तो अगर आप वो सोच के एक बार मंथ बेसिस पे अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट है छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट जिसमें मैंने बताया ईएमआई या लोन भरना होगा, तो उस मुताबिक आप स्मार्ट डिपॉजिट क्रिएट कर सकते हैं। और फिक्स डिपॉजिट का होता है तो लॉन्ग टाइम बेसिस में लिए, लॉन्ग टाइम टेन्योर के लिए आप उसमें सेव करते हैं कर सकते हैं जो भी अमाउंट आप चाहेंगे उसमें सेव करने। मैम सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा रिटर्न किस में मिलेगा फिक्स डिपॉजिट में? फिक्स डिपॉजिट में, क्योंकि उसका टेन्योर जैसे मैंने बताया हाईएस्ट टेन्योर है इसका 75 मंथ्स। तो 75 मंथ्स के दौरान आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे उस इन्वेस्टमेंट के मुताबिक आपको इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मिल जाएगी। मैम आप बीच में कुछ बोल रही थी शायद, सॉरी जी, कुछ आप बीच में जी हाँ, मैं देना चाह रही थी, मैं प्री क्लोज के लिए बता रही थी। अगर प्री क्लोज आप करना चाह रहे हैं, प्री क्लोज में आपको 1% में 1% पेनल्टी लग सकती है। तो अगर आप प्री क्लोज कर रहे हैं तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा जी। दोनों ही डिपॉजिट में, यानी कि फिक्स डिपॉजिट या फिर स्मार्ट, हाँ दोनों में जी दोनों में। अच्छा, थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत सारी जानकारी हमें दी है, जो मुझे डाउट था आपने क्लियर कर दिया है। और कुछ जानकारी देके मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? नो मैम, थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं हमें। ठीक है, धन्यवाद सर, आई केयर पे कॉल करने के लिए शुक्रिया, आपका दिन शुभ रहे। जी आपका भी दिन शुभ रहे।